धन्यवाद देना चाहूंगा दगाबाजी को, रणवीर जी को और पूरी टीम को, जो भी स्टार कास्ट है इसमें। अच्छा जो गाना हम सब ने देखा, बड़ा अच्छा लगा, लोकेशन बहुत अच्छा है, कोरियोग्राफर ने अपना बहुत अच्छा काम किया। और न्यू कमर जब आते हैं बात आगे बढ़ती है, तो ऑल द बेस्ट कहूँगा पूरी टीम को और इनके जो डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो बहुत से लोगों से मैं वाकिफ नहीं हूँ, लेकिन जो भी अभी मैंने देखा उन सबको बहुत मुबारकबाद। फिर दोस्त ने हम सबको इन्वाइट किया, उनको थैंक यू सो मच, यही कहना चाहूँगा। बहुत ही अच्छा टाइटल है दगाबाजी, अभी तो आज के ज़माने में तो सबसे ज़्यादा यही चल रही है, तो मुझे लगता है कि हर आदमी को पसंद आएगी, ज़्यादातर 100 में से 80 लोगों को तो पक्का पसंद आएगी, क्योंकि वो दगाबाजी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं, ज़्यादा पसंद करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये गाना बहुत कमाल होने वाला है और एक नई मॉडल और नए लोग यहाँ पर आए हैं, फिरदोश जैसा नाम लिया, इस एल्बम को जरूर सुनना, ये फिरदोश रिक्वेस्ट है, और अगर नहीं सुना तो कोई नुकसान हो जाएगा, फिरदोश को मत देना। तो मैं समझता हूँ कि दगाबाजी के लिए बहुत अच्छी शुभकामना पूरी टीम और हमारी आने वाली फिल्म कॉफी विद अलोन की पूरी टीम को की तरफ से शुभकामना। दगाबाजी की पूरी टीम को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, बहुत अच्छा गाना लगा और बहुत अच्छा नए लोगों की लॉन्चिंग हुई है। तो नए कलाकार जब इंडस्ट्री को मिलते हैं तो सबकी ग्रोथ होती है, नई टैलेंट देखने मिलता है। तो मैं पूरी टीम को और रणवीर जी को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। दगाबाजी की पूरी टीम को बहुत सारी शुभकामनाएं, खास करके रीतु गुप्ता बहुत अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छे से उन्होंने ये गाना गाया, वो भी मेरी बहुत अच्छे फ्रेंड है, राजवीर और प्रोड्यूसर डायरेक्टर, पूरी टीम को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। ये गाना देश विदेश में पूरी दुनिया में खूब नाम कमाए, दगाबाजी सुपर हिट हो और इन सबका खूब सारा नाम हो जाए। थैंक यू दोस्तों। ये सॉन्ग पूरी टीम ने बड़ी मेहनत से बनाया और बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है। मैं चाहूँगा एक बार ऑडियंस से कि कंपनी के लिए एक बार और सभी कलाकारों को अप्रिशिएट करें और एक बार इस गाने को जरूर देखें। किस तरह से ये ऑन बोर्ड पे आया, आपके पास ये टिकट कैसे आया और कैसे आपने इसको कहाँ क्या लगा इसके अंदर अच्छा आपको क्या करना है? ये प्रोजेक्ट रणवीर लेके आए थे और रितु आई थी, दोनों लोग बाइट के बाद किए। इससे पहले भी उन्होंने एक गाना हमारे लिए किया था बेगैरत, वो भी चला। ये लगा कि ये गाना सुनने के बाद पसंद आया, पूरी टीम ने कहा कि नहीं करना चाहिए इस गाने को और लगे करते हैं। सर एक ग्रुप ऑफ कंपनीज मात्र 6 साल की एक कंपनी है, जो आज लगभग 15 कंपनियों का एक समूह 6 साल में बन गया और 8 अलग अलग सेक्टर में काम कर रहा है। और रियल इस्टेट इस ग्रुप का मेन बिजनेस है और यूपी बिहार मध्य प्रदेश में आज ये सबसे बड़ा ग्रुप है और एक ग्रुप इन 3 राज्यों में किसी भी पर्चे का मोहताज नहीं है। इसके साथ अदर सेक्टर्स में भी कंपनी काम कर रही है, जिसमें कि हम इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, इस तरह से 35+ प्रोडक्ट हैं। इलेक्ट्रिक ईवी का हम काम करते हैं, जिसमें हमारे पास आज 9 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक ईवी है जो चल रही है, हम 5 राज्यों में बेच रहे हैं उसको, जिसमें यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ है। फाइनेंस सेक्टर में कंपनी है एक दीपनिधि लिमिटेड के नाम से, जो जल्दी NBFC और बैंक में कन्वर्ट करने का उसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं, आगे लेकर जा रहे हैं। शिक्षा है, जिसमें हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन चल रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री है, जिसमें हम हिंदी, भोजपुरी, उड़िया, शेथाली, नागपुरी, इन सभी भाषाओं में काम कर रहे हैं। और 1 साल का शॉर्ट पीरियड ही हुआ मीडिया सेक्टर में कंपनी को आए और लगभग 200 के आसपास के गाने हमारे आ चुके हैं। यानी अगर हम देखें तो हम हर एक दिन के बाद अपने नए सॉन्ग्स को लाते रहते हैं। बहुत सारे कंपनी के चैनल्स भी हैं, आप लीन्स म्यूजिक या एक मेगा एंटरटेनमेंट आप कुछ भी डालेंगे मिलेगा। और अभी इस समय 100 से ज़्यादा गाने हमारे पास तैयार रखे हैं, जो समय समय पर दर्शकों को देखने को मिलेंगे। और नेक्स्ट सप्ताह हमारा फिर से एक गाना आ रहा है भोजपुरी की जानी मानी हीरोइन अक्षरा सिंह के साथ, भी हमारा अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले एक गाना आया और नेक्स्ट 4-5 दिन के बाद भी एक सॉन्ग आ रहा है। सर आप क्या शुभकामना देता हूँ कि जो भी मेरे फ्रेंड है, इन माई चाइल्ड फ्रेंड, और सर मैं तो इतना बोलना चाहता हूँ सर, ये टाइम बॉम्ब है, मजा आया यार, जहाँ भी आता था बस लाभ तो याद था, तुम मजा आते थे। That's it.
क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है ये प्रोजेक्ट, और क्या कहना चाहेंगे? मैं तो मैं बहुत खुश हूँ, और रणवीर भाई का कॉल आया था कि भाई यार एक प्रोजेक्ट करना है, तो मेरे रिश्ते बहुत अच्छे थे कि हाँ भाई करते हैं ना, तो मैं कि फिर हम लोग मिले, फिर ऐसी कहानी ये सब है, तो प्रोजेक्ट के लिए बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, पूजा ने बहुत अच्छा काम किया है, रणवीर की आवाज़ बहुत अच्छी है, तो बहुत प्यारा प्रोजेक्ट है और मज़ा आया करने में। आपको कुछ कहना है? बस थैंक्स कहना चाहूंगी और रणवीर को भी थैंक्स कहूंगी। और एक गाना मुझे स्पेशली आपके लिए मिला है, आपने सजेस्ट किया था, इन्होंने दिव्याशन सर सजेस्ट किया था कि पूजा को गाने में लेना चाहिए, एंड थैंक यू सो मच यार कि आपने मुझे गाना दिया। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सारा कुछ के लिए नहीं, ऑफकोर्स इन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, दैट्स व्हाई मैं इस गाने के अंदर हूं, अदरवाइज मैं नहीं। रणवीर भाई और हम लोग बहुत टाइम से बैठे हुए थे कि भाई कौन सी लड़की है, तो मैं इंस्टाग्राम पे हूं, नहीं होता कि ये मेरी दोस्त है, ये भी मेरी दोस्त है। रणवीर भाई ने की पूजा के साथ वर्क करते हैं, हां चलिए बात है, रणवीर भाई ने बहुत सपोर्ट किया है। बॉबी भाई प्लीज कम, हमारे मेन हीरो तो आएंगे हमारे, और नैन्सी प्लीज कम। ये जो हमारे दगाबाज है जिन्होंने हमें दगा दिया है, लड़कियों के आसपास है। अच्छा हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू यू। आज सॉन्ग भी है और पूजा दोषी भी है, मैंने बचाया सबको, टीम को। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग। कैसा लगा सॉन्ग आप लोग को? मेरा ज्यादा तो नहीं है बट है, जो भी है अच्छा है। आप ही का तो है, आपकी वजह से सब है। सब बोलो यार, वो क्या कहना चाहेंगे, कैसे ये कॉन्सेप्ट आपको मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हेलो नमस्ते आदाब सत श्री अकाल थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कोइंसिडेंस होती कोई चीज तो, एक्चुअली मेरे दोस्त है रजनीश मिश्रा, उनके पास वीडियो है यहाँ पे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, वहाँ में एक सॉन्ग डिस्कस कर रही है मेरे दोस्त है जो रणवीर राजपूत, तो वो मिलना चाहते थे, मैं वर्कआउट कर रहा था जिसमें, तो वैसे वर्कआउट छोड़ के मेरा भाई मेरा गाना सुन लेता, चलो एकदम स्टूडियो में बैठे डिस्टेंट होता है ना गाना, मुझे उसमें जो फ्लेवर था ना, जो बी ब्रैंक के गाने होते हैं जो स्टोरी बेस्ड सॉन्ग होते हैं, अगर लेवल को छोड़ दो तो अगर आप सॉन्ग ही सॉन्ग, ऋतु गुप्ता ने बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत निभाया, सॉन्ग विद इमोशंस कह लो आप ना, तो वो उसमें थी, उसमें परफॉर्मेंस का एक मौका था, एक ही दिन में उन्होंने बोला भी शूट करना है, प्लान हुआ आगे पीछे हुई डेट्स, फिर एक दिन वो आ गया, हमने शूट किया वो एक्टर से नैन्सी पूजा और फिरोज भाई थे सिनेमेटोग्राफर और मेकअप टीम के, सब लोगों ने कॉस्ट्यूम, सब लोगों का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़बरदस्त रहा, और मेरे ख्याल से बहुत फास्ट काम किया, और जो उसका आउटपुट अभी आपने देखा है, भाई आई होप गाइस यू विल लव दिस सॉन्ग, कि ये आपके हार्ट को टच करने वाला है, दगाबाज है तो कहीं ना कहीं हर एक की लाइफ में कोई ना कोई दगाबाज होता है। एक्चुअली मैं जो फ्रेंडशिप जुड़ी हूँ, फ्रेंड है मेरा रणवीर, तो उसने बोला था कि सॉन्ग करना है और तुम्हारा भी अच्छा कुछ है इसमें, तो करना चाहोगे? हाँ बिल्कुल करना चाहेंगे, और मजा आया काम करके, काफी हिस्टोरिकल सॉन्ग है, मतलब रणवीर की खासियत है कि स्टोरी के बेस पे ही सॉन्ग बनाता है, पहले भी मैं काम कर चुकी हूँ, और उसकी स्टोरी ऐसी रहती है कि कनेक्ट करती है हर किसी को, टच करती है, सॉन्ग भी वैसे ही रहता है, तो मजा आता है काम करके भी, मतलब शूटिंग प्लेस पे भी मजा आता है और लॉन्चिंग भी वैसी लैविस होती है, एकदम दमदार होती है, तो मजा आता है। रणवीर प्लीज कम। कैसे ऑन फ्लोर आया और क्या कहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, कैसे सबको कहा ना? इस प्रोजेक्ट को ना हम करीबन 6 महीने से प्रिपेयर कर रहे थे, तो बाकी सबसे पहले मैंने दिव्यांग से बात किया, क्योंकि दिव्यांग के पास टाइम ही नहीं, क्योंकि पूरा भारत भ्रम करके आया, मुझे पता पूरा भारत घूम के, उनके पास टाइम ही नहीं था कि इस प्रोजेक्ट को मेरे साथ करने के, बोले भाई मैं पूरा पहले अच्छे से सारा इंडिया घुमाया, पोस्टर करते हैं अंदर से, लोगों से बातें करते हैं, आप डिफेंस के बारे में सब हर कोई जानता है, कोई जानता है, देख लीजिए भाई, भाई को मेरा डिफेंस के बारे में सबको पता है। तो ये प्रोजेक्ट ना सबसे पहले मैंने दिव्यांश को बोला भाई को कि भाई आप कभी मेरे को टाइम दे दो, हम साथ में ये प्रोजेक्ट करते हैं। भाई को मैंने गाना सुनाया, तो भाई ने बोला आप गाना सुना, तो कहते भाई करते हैं, थोड़ा सा पसंद आया। हाँ अब आपके सामने बताते हैं कि इसलिए मैं नहीं बोल रहा कुछ बोले, तो इन्होंने बोला करते हैं, बट थोड़ा सा टाइम मुझे दे दो कि मैं अच्छे से कुछ करूं, क्योंकि भाई ने जो मेहनत की है ना गाने में, आप लोगों ने देखा है, तो उसने बहुत मेहनत के साथ में, बहुत प्रिपरेशन करने के बाद में जो चीज़ें आप लोगों के सामने एक्सप्रेशन दी हैं, चीज़ें दी हैं, तो एक मेहनत है,
लोगों के सामने आ रही है, तो आप लोगों जैसे उनको प्यारा लगे, उनको बहुत प्यार दें उस गाने को, जैसे भी हम लोगों को और आगे कुछ करने को मिले। बेताशा बेवफाई हुई और एक उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, अच्छे से नरेट किया उन्होंने सुनिए, और उन्होंने बोला इस पर क्या गाना हो सकता है, फिर मैंने उनको बना के बताया। फिर आपने क्लाइमेक्स में लास्ट में देखा होगा सब भी जाओगे सब, ये पहले ऐड भी था गाना, फिर उन्होंने बोला कि कुछ क्लाइमेक्स चाहिए जिसमें लड़का मतलब जो स्टोरी बताई उन्होंने कि बाद में पकड़ लड़की उसकी चीट करते हुए पकड़ ली थी। फिर इसमें हालांकि मैंने बहुत सारे चेंजेस किए स्टार्टिंग में, तो अच्छे नहीं बने या फिर रिकॉर्डिंग टू वीडियो रिकॉर्डिंग टू स्टोरी आपको फायदा होने की फाइनलाइज किया, और फिर आप लोग बताइए आपको कैसा लगा आपको मुझे। I think I love the music, I love the voice, singing, cast are amazing, she acted really amazing, even he is really good, direction is good, totally I think it's a wonderful song and I really enjoyed it, I think I'm looking forward to more like this, so yeah, I hope, I wish them all the best, I hope this will work really well and go well, people will love it more, yeah. सॉन्ग तो बहुत अच्छा है दागाबाजी, और मेरा दोस्त का है डायरेक्टर, पहली बार उसने काम किया तो बस थोड़ा सा दुआई भी करेंगे कि कामयाबी दे, अच्छा बहुत अच्छा सॉन्ग है, सॉन्ग के लिए बहुत हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, बहुत जल्दी बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है जब कोई भी नया गाना रिलीज होता है, बहुत खुशी होती है क्योंकि सब हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने भी रितु जो कि बहुत अच्छी सिंगर है, और दगाबाज जो कि बहुत अच्छा गाना है, थोड़ा सूफी टाइप गाना है, और मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद है कि सुनने वालों को एक नया गाना सूफी में सुनने को मिलेगा, और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं पूरी टीम के लिए, और मैं चाहता हूँ इस तरह के और अच्छे गाने मार्केट में आए और जो सुनने वाले हैं उनके कानों को सुकून मिले।